नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी ड्रीम यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीआरपीएफ ट्रेडमेंट भर्ती क्या होती है और ये स्वीपर क्या होता है। स्वीपर एक सफाई कर्मचारी होता है जो फौज में सफाई का काम करता है और इसी को ट्रेड टेस्ट देने अगर आप जा रहे हो तो इसका ट्रेड टेस्ट कैसे क्वालिफाई करना है वो कम्प्लीट जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जब सेंटर पर जाओगे तो वहाँ पर आपसे क्या क्या करवाया जाएगा वो कम्प्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। वीडियो छोटी सी होगी लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों, ट्रेड टेस्ट देने से पहले आपको एक दिन पहले ही ट्रेड टेस्ट देने के सेंटर पर चले जाना है एक दिन पहले, क्योंकि आपसे पहले जो बंदे ट्रेड टेस्ट देने गए होंगे उनसे शाम को आप पूछ सकते हो कि भाई क्या हुआ, क्या प्रोसेस हुई, क्या क्या करवाया जा रहा है। इससे आपके 50% चांस बढ़ जाते हैं ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करने के। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर आपको क्या क्या करना होगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको वहाँ पर जो है झाड़ू लगाना पड़ेगा। झाड़ू के बहुत से प्रकार होते हैं तो आपको झाड़ू के नाम भी याद कर लेने हैं। झाड़ू किस प्रकार तरीके से पकड़ा जाता है वो भी आप वीडियो में देख सकते हो। इस प्रकार से झाड़ू पकड़ना है और झाड़ू मार के दिखाना है, इससे आपके नंबर्स बढ़ेंगे। दूसरा, आपको टॉयलेट बाथरूम जो है वो क्लीन करके दिखाना है, एकदम घिस घिस के क्लीन करना है, ठीक है, तभी आपको नंबर्स अच्छे मिलेंगे। जब आपका आपने जो टॉयलेट बाथरूम क्लीन किया होगा उसको देख कर ही आपको नंबर्स दिए जाते हैं। तो जो भी है आपको एकदम प्रॉपर नीट एंड क्लीन करना है। लास्ट में जब आप टॉयलेट बाथरूम क्लीनिंग कर लोगे तो आपको रूमाल से जो टॉयलेट का सीट होता है उसको रूमाल से साफ़ कर लेना है, उससे आपके नंबर्स बढ़ते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। और आपको हार्पिक वगैरह जो भी लिक्विड होते हैं उनके नाम याद कर लेने हैं, ठीक है। R1, R2, R3, R4 ये लिक्विड किस इस्तेमाल में किए जाते हैं, कांच को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, किस लिक्विड को कहाँ इस्तेमाल करते हैं उसको भी आपको याद कर लेना है, इससे आपके नंबर्स बढ़ते हैं। और जो क्लीनिंग के लिए जो जो टूल का इस्तेमाल किया जाता है उनके भी नाम आपको याद कर लेने हैं, इससे आपको बहुत से अच्छे से नंबर मिल जाएंगे और आप क्वालिफाई कर जाओगे। नेक्स्ट प्रोसेस बढ़ते हैं, वहाँ पे आपसे पोछा भी लगवाया जाएगा। दोस्तों, वहाँ पे आपको घर में प्रैक्टिस करके जाना है, वहाँ पे अगर आप पोछा लगा के दिखाते हो तो आपको उसके भी नंबर्स मिलते हैं। वीडियो में जिस प्रकार से पोछा लगवाया जा रहा है उसी प्रकार से आपको पोछा लगा के दिखाना है। दूसरा, आपसे कांच भी क्लीनिंग करवाई जा सकती है। कांच को जब आप रगड़ रगड़ के धो डालोगे तो उसके बाद आपको रुमाल से उसको साफ़ कर लेना है, उससे भी आपके नंबर्स बढ़ते हैं। दूसरा, आपको सफाई क्लीनिंग के रिकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, उनके भी आपको आंसर देने हैं। घबराना नहीं है आपको, आपके ट्रेड टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, एकदम कॉन्फिडेंस से दीजिए, आप 100% क्वालिफाई होगी, मुझे गारंटी है। और मैंने वीडियो में जो जो चीज़ें बताई यही आपसे वहाँ करवाया जाएगा, इसके बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा ना कुछ आएगा, ठीक है। आप सफाई कर्मचारी के लिए ट्रेड टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपसे सफाई ही करवाई जाएगी, वहाँ पर आपको कुकट कुछ भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कम्प्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही नए और फ्रेश लोगों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।